1 जनवरी 2021 इस नई तारीख और नए साल के साथ कुछ नियम भी बदल जाएंगे जिनका सीधा सीधा असर हर भारतीय नागरिक पर पड़ेगा। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको नए साल में नई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और साल बदलने से पहले आप इन नए बदलावों को लेकर अपडेटेड हो। इस लिस्ट में 10 बड़े बदलाव शामिल है, कौन कौन से आइए जानते हैं। चेक पेमेंट सिस्टम, 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक पेमेंट के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक की पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा। महंगी हो जाएंगी कारें, ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति महिंद्रा के बाद रेनो और MG मॉडल दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2x चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा 0। अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम, सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। UPI पेमेंट में होगा बदलाव, 1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे एप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये निर्णय लिया गया है। GST रिटर्न के नियम बदल जाएंगे, बता दें कि देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी GST रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। सरल जीवा पॉलिसी होगी लॉन्च, अब 1 जनवरी के बाद आप कम प्रीमियम में बीमा भी खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। आपको बता दें कि आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देंगे, आपको बता दें कि आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ एंड्रॉइड और iOS फोन्स पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। तो ये है वो बड़े बदलाव जो नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समय रहते ये अहम जानकारी सभी तक पहुँच जाए। नमस्कार, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।